हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कप्स एंड बिन्स में। आज के इस वीडियो में हम स्पाइडर प्लांट को नर्सरी से लाने के बाद कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे प्लांट का केयर करना है, ये सब जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्पाइडर प्लांट को रिबन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंडोर हाउस प्लांट है और इसे हैंगिंग बास्केट में लगाने पर यह और भी प्यारा लगता है। आजकल घरों के अंदर इस प्लांट को खूब लगाया जाता है। इस प्लांट को बच्चों के पढ़ने के टेबल, ऑफिस टेबल पर भी छोटे छोटे पॉट में लगाकर रख सकते हैं। स्पाइडर प्लांट घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है और यह एक अच्छा एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है। घर के अंदर यह ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और हवा को शुद्ध करने का काम करता है। ये बहुत ही आसानी से उगने वाला प्लांट है। कम देखरेख में भी यह आराम से चल जाता है। स्पाइडर प्लांट के मदर प्लांट से रनर्स निकलते रहते हैं और ये रनर्स जब प्लांट के बास्केट से नीचे की ओर लटकते रहते हैं तब ये दिखने में स्पाइडर की तरह लगता है। शायद इसी कारण इसका नाम स्पाइडर प्लांट पड़ा हो। वीडियो के बीच बीच में स्पाइडर प्लांट के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। चलिए पहले यह देख लेते हैं कि नर्सरी से लाने के बाद इसे कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करना चाहिए ताकि प्लांट सालों साल हमारे साथ रहे। स्पाइडर प्लांट को रिपोर्ट करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें कि इसका सॉइल मिक्सचर वेल ड्रेन्ड होना चाहिए ताकि पॉट में पानी ना रुके। पॉट में पानी रुकने से इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि इसका सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करना चाहिए। दोस्तों, मैंने यहाँ सॉइल मिक्सचर तैयार करने के लिए एक भाग गार्डन सॉइल लिया है, एक भाग वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और एक भाग मैंने यहाँ लिया है रेत, यानी कि रिवर सैंड। अगर आपके पास रिवर सैंड ना हो तो आप कोकोपीट भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ यूज़ किया है नीम खल्ली का। नीम खल्ली भी आप एक मुट्ठी के करीब इसमें डाल दें। नीम खल्ली आपके प्लांट को बाद में चलकर न्यूट्रिएंट प्रदान करता है और ये पौधों को फंगस से भी बचाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने सारे चीज़ों को एक साथ मिला लिया है और तो अब प्लांट को रिपोर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ प्लास्टिक का एक पॉट लिया है और इसमें मैंने पहले से ही होल कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ गमले के टूटे हुए टुकड़े डाल देती हूँ। इस प्लांट को पानी देते समय अच्छा होगा कि आप मिट्टी को उंगलियों से छूकर देख लें कि मिट्टी की ऊपरी सतह सूखा है या गीला। अगर मिट्टी 70-80% तक सूख गया है तभी इसमें पानी डालें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसके पत्ते के टिप ब्राउन हो सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे इसकी मिट्टी हटाएं ताकि रूट डैमेज ना हो। मिट्टी बहुत ज़्यादा हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप गमले को आधी मिट्टी से भर लें। अब गमले के सेंटर में प्लांट को बैठा लें। और फिर गमले को पूरी मिट्टी से भर दें और हल्के हल्के हाथों से इसे दबा लें। अब इसमें पानी अच्छे से डालें ताकि मिट्टी नीचे तक एकदम भींग जाए। स्पाइडर प्लांट को कड़ी धूप पसंद नहीं है। प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, तब यह प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा और आपके साथ सालों साल रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।